हेलो दोस्तों आओ आओगे तैयारी में आपका स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं एम पी पी एस सी प्री दो हजार तेईस के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट है जिसको हम देखने वाले हैं तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये यूनिट टू है जिसको आज हम देखेंगे और इसमें एंसियंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं यहाँ पर टोटल हंड्रेड क्वेश्चन हैं जिनको हम आज कवर करेंगे इसका करेंगे तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है असत्य कथन का चयन करना है तो पहला है कि भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जब कपड़े भारत में निर्मित होते थे उन कपड़ों को केलिको कहा जाता था और सेकंड है जौनपुर और गुजरात मुगल काल में इत्र निर्माण के प्रधान केंद्र थे देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है जौनपुर और ये गुजरात ये जो मुगल काल में ये दो, आ, थे, ये दो शहर थे ये दोनों इत्र निर्माण के लिए प्रधान शहर थे प्रधान केंद्र था इत्र निर्माण का और सी है कि दक्षिण भारत में सृष्टि व्यापारियों को कहा जाता था देखिए जो दक्षिण भारत में व्यापारियों को कहा जाता था वो सृष्टि नहीं कहा जाता था बल्कि चेट्टी कहा जाता था ये ध्यान रखिएगा उनको जो है वो चिट्टी कहा जाता था उनके समूह को चिट्टी कहते थे तो इस प्रकार सी वाला इसका असत्य हो गया। और क्वेश्चन में असत्य कथन ही पूछ रहा है तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा डी को भी देख लेते हैं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्रयुक्त हुआ था यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है उसकी प्राप्ति में गोलकुंडा खान से हुई थी तो यहाँ पे ए बी और डी ये तीनों सही कथन है परंतु सी वाला जो है वो कथन सही नहीं है इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का क्या नाम था देखिए जो मंदसौर अभिलेख था उसमें जो कुमार गुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख था इसमें जो श्रेणी संगठन का नाम था वो तंतु था तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा तंतु आया था और ये जो तंतु आए थे ये जुलाहे का कार्य करते थे ये भी ध्यान रखिएगा ये जो थे ये जुलाहे का कार्य करते थे और जो देखिए मंसौर अभिलेख है मंसौर अभिलेख जो ये गुप्त वंश का है ये गुप्त शासकों का है और इसमें इसको जो है वो दशपुर अभिलेख भी कहा जाता है इसको दशपुर अभिलेख भी कहा जाता है इसकी जो भाषा है इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है और इसकी जो लिपि है लिपि जो है इसकी गुप्त लिपि में है और इसके जो लेखक हैं वो है वत्स भट्टी तो वत्स भट्टी ने जो है इस अभिलेख को लिखा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस अभिलेख की है कि इसमें रेशम बुनकरों के के संघ द्वारा जो सूर्य देवता के मंदिर की मरम्मत कराई गई थी उसका वर्णन हमें इसी मंसौर अभिलेख में मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री नंबर क्वेश्चन है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है इसका जो संबंध है वो सामवेद शाखा से इसका सही जवाब सी हो जाएगा और छांद उपनिषद में ही हमें जो सत्यकाम जवाला जो सत्यकाम जवाला की कथा है इनका भी वर्णन जो है हमें छांदोग्य से ही प्राप्त होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है सत्यकाम जवाला की कथा जो है कौन से उपनिषद से संबंधित है तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में भूमि के क्रय विक्रय होने के साथ ही हस्तांतरित होने वाले कृषक मजदूर क्या कहलाते थे देखिए विजयनगर साम्राज्य में जब भूमि बेची जाती थी या खरीदी जाती थी उसके साथ जो मजदूर होते थे वो भी खरीद लिए जाते थे बेच दिए जाते थे तो उन जो मजदूर होते थे उनको क्या कहा जाता था देखिए उन मजदूरों को कहा जाता था कुदी इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा उनको कुदी कहा जाता था तो ये ध्यान रखिएगा और विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने किया था तो इसकी स्थापना जो है हरिहर एंड बुक्का ने किया था और इसको इनके पिता के नाम पे इसको जो है वो संगम वंश के नाम पे भी जाना जाता था इसकी जो स्थापना किया था उन्होंने वो तेरह सौ ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। Next हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस छह रोग से मरने वाली है एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस जो है वो छह रोग से मरने वाली है ये कथन किसने दिया था कांग्रेस के बारे में देखिए जो कथन कहा था ये अरविंद घोष का कथन है इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा अरविंद घोष ने कांग्रेस को तो कहा था कि कांग्रेस जो है वो छह रोग से मरने वाली है करजन ने क्या कहा जा, कहा था इसका भी प्रसिद्ध कथन है करजन का करजन कहता है कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण तरीके से मरने में मदद कर सकूं ये करजन ने स्टेटमेंट दिया था विपिन पाल देखिए विपिन पाल ने कांग्रेस को क्या कहा था तीनों ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है तो विपिन पाल ने उसको कहा था कि ये याचना करने वाली संस्था है और अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था तो अश्विनी कुमार दत्त ने जो है वो कांग्रेस को कहा था कि ये तीन दिन का तमाशा है तो ध्यान रखिएगा जो तीन दिन का तमाशा ये पूछता है एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि किसने कहा था तीन दिन का तमाशा तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था और केवल याचना करने वाली संस्था है ये बिपिन चंद्रपाल ने कहा था और इसके अलावा डफरीन डफरीन का भी नाम आता है तो डफरीन ने क्या कहा था तो डफरीन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व तो करती है तो ये ध्यान येगा स्टेटमेंट थे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक, सिक्स सिक्स नंबर क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था देखिए जो गदर पार्टी बनी थी उसका मुख्यालय पूछ रहा है उसका मुख्यालय कहाँ पे था तो उसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा देखिए जब गदर पार्टी की स्थापना होती है कब तो इसकी स्थापना 1913 में क्रांतिकारी समूह था और इसने एक पत्रिका निकाला था वो गदर पत्रिका गदर पत्रिका था इसी के बहाने की अपने जो क्रांतिकारी इनके विचार थे उनको वो उसका विस्तार करते थे उसको फैलाते थे और इसके जो अध्यक्ष थे इंपॉर्टेंट चीज है इनके अध्यक्ष को पूछ, पूछा जाता है तो इसका जो गदर पार्टी का अध्यक्ष था वो सोहन सोहन सिंह भाखना थे तो सोहन सिंह जो भाखना थे इसके अध्यक्ष थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे उपाध्यक्ष जो थे वो लाला हरदयाल थे तो लाला हरदयाल जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे और इन्होंने जो पत्र निकाला था वो गदर ये ध्यान रखिएगा और जो गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और मौका जो, जो था वो नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था जो मराठा शासन तथा दक्षिण भारत में प्रचलित था ये इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा मौकासा क्या था ये नगद वेतन देने के बदले दिया गया एक भूमि अनुदान था और ये कहाँ पे प्रचलित था मराठा में प्रचलित था और इसके अलावा दक्षिण भारत में ये प्रचलित था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट एट नंबर क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था कि जो अल हिलाल समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था इसका सही जवाब ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था इसमें जो है वो बुद्धिवादी और राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था इस समाचार पत्र के माध्यम से और देखिए जो फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र था ये भी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है तो फिरोज शाह मेहता का जो समाचार पत्र था वो था द बॉम्बे क्रॉनिकल तो द बॉम्बे क्रॉनिकल किसका समाचार पत्र था तो ये फिरोसा मेहता का था और ये इंग्लिश ये इंग्लिश में छपता था और ये एक डेली अखबार था ये भी ध्यान रखिएगा और मौलाना मोहम्मद अली देखिए मौलाना मोहम्मद अली का बहुत फेमस पत्र था इनका हमदर्द हमदर्द इनका जो है पत्र था और ये उर्दू भाषा में छपता था ये भी ध्यान रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली का और मोतीलाल नेहरू का जो पत्र था या अखबार था तो उसको कहा जाता है द इंडिपेंडेंट अखबार तो द इंडिपेंडेंट जो अखबार था वो मोतीलाल नेहरू का था और इसको उन्होंने इलाहाबाद से इसको जो प्रकाशन प्रारंभ किया था 1919 से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन थे जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी तो प्रथम भारतीय पूछ रहा है कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने अंग्रेजी कविता पहली बार लिखा था तो वो था काशी प्रसाद घोष इसका सही जवाब ए हो जाएगा काशी प्रसाद घोष प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी कविता लिखी थी नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे देखिए सरकारी इतिहासकार थे वो एस एन सेन थे इसका सही जवाब बी हो जाएगा

और ना ही ये जो है स्वतंत्रता संग्राम था तो ये ध्यान रखिएगा बहुत बार ये ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका था था तो ये आरसी मजूमदार का सौ संतावन के विद्रोह को कहा कि ना तो ये प्रथम था ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था और वी डी सावरकर वीडी सावरकर ने जो है इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था इन्होंने अठार का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको इन्होंने मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था तो ये भी ध्यान रखिएगा जो जो सावरकर थे ये के विद्रोह को भारत का जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन नंबर क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है तो जो मराठा राज्य इसका जो दूसरे संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ इसका सही जवाब भी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ये होता क्या है कि सत्रह सो ईस्वी में जो साहू थे संभाजी के पुत्र तो साहू ने क्या किया था बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और पेशवा बनने के बाद से ये जो पेशवा का पद है ये बहुत ही शक्तिशाली पद होता चला गया और उसी को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाने लगा ये बालाजी विश्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी 1720 में इनकी मृत्यु होती है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह बारह नंबर क्वेश्चन है बेदरा का युद्ध कब हुआ था देखिए जो बेदरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था सत्रह में जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा सत्रह में जो है बेदरा का युद्ध होता है और इसमें जो है अंग्रेज होते हैं और इनके साथ जो है वो डच डच लोग लड़ रहे हैं डचों के मध्य होता है और इसमें जो डच होता है ये हार जाते हैं और हारने के बाद से ये हमेशा के लिए भारत से चले जाते हैं ये भी ध्यान रखिएगा ये जो है भारत से चले जाते हैं हमेशा के लिए और बेदरा के युद्ध में जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह तेरह नंबर क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में उड़न कुट्टम उड़न कुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था देखिए जो उड़न कुट्टम अधिकारी होता था चोल प्रशासन में वो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा यह क्या करता था कि राजा के निकट ही रहता था और राजा के निकट रहने वाले प्रधान अधिकारी होता था और राजा का जो भी आदेश होता था वो इसको लिपिबद्ध करता था उसी को कहा जाता था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण गर्भ यज्ञ में गुर्जर प्रतिहार राजा ने द्वार पालकों का कार्य किया था तो किसने जो है वो हिरण गर्भ यज्ञ को आयोजित किया था जिसमें जो गुर्जर प्रतिहार राजा था वो द्वार पालक का, का काम किया था इस यज्ञ का जो आयोजन किया था वो दंती दुर्ग ने किया था इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था राष्ट्रकूट वंशी शासक था और इसने मालवा के जो परमार थे उन पर आक्रमण करता है उज्जैन पर अधिकार कर लेता है और यहीं पर वो जो है वो हिरण्य गर्भ यज्ञ प्रारंभ करता है और इसी में जो प्रतिहार राजा थे वो द्वारपालक का कार्य करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख मिलता है तो जो महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का जो उल्लेख मिलता है वो पुलकेशन द्वितीय के अभिलेख में मिलता है इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा देखिए जो द्वितीय था ये वातापी के चालुक्य वंशी शासक था ये वातापी का जो चालुक्य वंशी शासक था उसी ने ये अपना एहोल अभिलेख खुदवाया था और इसका जो शासन काल था वो छह सौ दस ईस्वी से लेकर के छह सौ तिरलीस ईस्वी के बीच में था और कुलकेशन द्वितीय जो है इसका जो एहोल अभिलेख है इसको एहोल अभिलेख से ज्यादा एहोल प्रशस्ति कहना सही होगा क्योंकि इसमें जो है इसकी विजयों का पूरा वर्णन दिया हुआ है इसकी सूची दी हुई है इसने जो भी विजय किया था इसकी प्रशस्ति इसमें किया गया है और इस अभिलेख के जो लेखक थे इस अभिलेख के जो लेखक थे वो उसके दरबारी जो कवि थे रवि कीर्ति उस, उन्होंने इसकी रचना किया था तो रवि कीर्ति ने इसको जो है वो लिखा था इस अभिलेख को और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में इन्होंने इसको लिखा है और देखिए सबसे पहले जो हमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है वो पुलकेशन द्वितीय अभिलेख से ही प्राप्त होता है हमें और जो पुलकेशन द्वितीय का जो हर्षवर्धन के साथ जो हर्षवर्धन के साथ जो इसका युद्ध का वर्णन मिलता है वो भी हमें जो है एहोल अभिलेख से ही प्राप्ति होती है और जो संस्कृत के जो महान कवि हैं कालिदास संस्कृत के जो महान कवि हैं कालिदास इनका जो हमें उल्लेख मिलता है वो भी हमें जो है अभिलेख से मिलता है तो ध्यान रखिए कुछ एक्स्ट्रा मृत्यु पर अद्धरा तिरा लंबा सरस्वती नामक कहावत कहा गया था देखिए जो परमार भोज की जो मृत्यु हुई थी जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा परमार भोज की जो मृत्यु हुई थी उनकी मृत्यु पे ये कहावत प्रचलित हुआ था धरा निराधारा तिरा लंबा सरस्वती

तो उसी को कहा जाता था कि जो दंड स्वरूप जो उपद्रवी जनजातियां थी उनसे निपटने के लिए कर लगाया गया था उसी को तुरस्क कहा जाता था नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री संत है? तो यहाँ पे नम्मालवार है है अंडाल है और सुसंत है देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल में तो देखिए दक्षिण भारत में जब मध्य काल में भक्ति आंदोलन की प्रारंभ हुआ था तो उसमें जो दो ग्रुप बना था एक तो था अलवार एक अलवार संत होते थे और एक जो है वो नैनार संत होते थे जो अलवार संत थे ये विष्णु की पूजा करते थे और जो नैनार थे ये शिव की पूजा करते हैं हमें जो टोटल चर्चाएं मिलती हैं वो अलवार में बारह संतों की मिलती हैं और शिव में जो है अरे नैनार में जो है वो तिरसठ संतों की नाम का उल्लेख हमें मिलता है तो उसी क्रम में ये जो स्त्री संत थी जिनका हमें उल्लेख मिलता है वो थी अंडाल इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा अंडाल थी अंडाल जो थी ये अलवार संत थी ध्यान रखिएगा ये अलवार संत थी और एक ये महिला संत थी इनको जो है वो दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण भारत की जो है है वो मीरा किसे कहा जाता है, तो अंडाल को ही दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था और ये जो अंडाल थी ये अलवार के अल्वार के जो बारह संत थे इन संतों में से एक प्रमुख संत थी ये अंडाल नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया था देखिए जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था इसका जो संपादन किया था वो ईश्वर चंद विद्यागर ने किया था इसका सही जवाब भी हो जाएगा देखिए जो सोम प्रकाश था ये बंगाल का प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार था ये तो ये जो प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार था ये और ये जो ईश्वर चंद विद्यागर थे इन्होंने जो है दर्शन और शिक्षा पर इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है इसके अलावा ये विधवाओं पर महिलाओं पर महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया है ईश्वर चंद विद्यागर के ही सहयोग से जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित होता है विधवा जो पुनर्विवाह कानून जो पारित होता है अठारह का वो इनके ही सहयोग से पारित होता है तो ये इम्पोर्टेंट योगदान था ईश्वरचंद विद्यासागर का इसके अलावा भी हम लोग और देख लेते हैं दयानंद सरस्वती देखिए जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने जो है सत्य प्रकाश इनका इम्पोर्टेंट क्या है इन्होंने सत्य प्रकाश जो इनका पत्र था सत्य प्रकाश इनको आ, उसको अठारह में हिंदी में इन्होंने प्रारंभ किया था सॉरी अठारह में अठारह में और दयानंद सरस्वती ने ही जो है वो आर्य समाज की स्थापना किया था आर्य समाज की स्थापना भी किया था। और जो राय का समाचार पत्र था और ये बंगाली भाषा में छपता था जो है संवाद कौमुदी इसके अलावा एक इनका और समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार तो मीरातुल अखबार था और ये जो है ये फारसी में इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इनका जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र था वो था द बंगाली समाचार तो इन्होंने प्रारंभ किया था द बंगाली समाचार चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है कि नारद स्मृति में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है देखिये जो नारद स्मृति है उसमें उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का बंटवारा हो रहा है तो पूछ रहा है कि उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया था तो उस समय जो भूमि को बांटा गया था टोटल चार भागों में इसका सही जवाब हो जाएगा चार भागों में भूमि बटी थी पहली तो थी वो उर्वर थी दूसरी जो थी वो बंजर थी और तीसरी जो थी वो खिल थी खिल वो ऐसी भूमि होती जिसमें जो तीन चार साल तक जो है उसमें कोई भी खेती नहीं होती थी और लास्ट जो थी वो मरु प्रकार की भूमि थी जिसको रेतीली भूमि कहा जाता था मरुथल टाइप की वो थी मरु नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 गुप्त कालीन जो पैदल सेना थी उसको क्या कहा जाता था देखिए जो गुप्त काल में पैदल सेना थी उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था वो चमुई कहा जाता था इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा देखिए जो चार था चार ये साधारण प्रकार की सेना थी जो साधारण सेना होती थी उसको जो है वो चार कहा जाता था और कटुक जो कहा जाता था ये जो गज सेना होती थी जो हाथी की सेना होती थी उसको कटुक कहा जाता था और अटास जो कहा जाता था ये अश्वरोही सेना के प्रमुख को जो है वो अश्वारोही कहा जाता था अरे सॉरी कहा जाता था ये प्रमुख को नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन है अच्छे निवी शब्द का क्या तात्पर्य है देखिए जो अच्छे निवी शब्द है इसका जो तात्पर्य है ये एक न्यास संपत्ति से है इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा अच्छे नीवी जो है प्रकार का न्याय संपत्ति था इसका जो प्रचलन है वो कुशाणों के समय में हुआ था कुशाड़ो के समय में हुआ था और गुप्त और गुप्तोत्तर काल में ये अपने चरम पर पहुंच गया इसकी जो हमें जानकारी मिलती है इसके प्रयोग की जानकारी वो मथुरा से प्राप्त होती है हमें कुशाण अभिलेख थे उसी से जो है हमें ये अच्छे नीवी की जानकारी प्राप्त होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है देखिए जो सारनाथ संबंधित है ये है महात्मा बुद्ध से तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद वो सारनाथ पहुंचते हैं बनारस में और वहां पे वो पहला अपना उपदेश देते हैं तो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में देते हैं और जो अशोक था सम्राट अशोक ये मौर्य वंश का शासक था और ये कट्टर बौद्ध था तो ये क्या करता है कि ये आ, सारनाथ जाता है वहां पे अः उनकी याद में जो है महात्मा बुद्ध की याद में वहां पे एक स्तंभ निर्मित करवाता है और उस स्तंभ के जो शीर्ष पे है वो चार सिंह होते हैं और उसके अलावा भी उसमें कुछ जानवरों का चित्रांकन मिलता है और वो जो जानवर छपे हैं उस स्तंभ पे उनका संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से है जैसे देख लेते हैं जैसे महात्मा बुद्ध का जो गर्भाधान हुआ था जब ये गर्भ में आए थे तो इनका जो गर्भाधान का संबंध दिखाता है वो हाथी से दिखाता है उसके बाद से इनका जो जन्म होता है उस जन्म को ये वृक्ष या बैल से संबंधित बता बताया गया है और उसके बाद जब वो उनको ज्ञान प्राप्ति करनी होती है तो वो गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग के लिए वो जो है अश्व अश्व से उनको दिखाया गया है और जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसको दिखाया गया है सिंह से तो यही उनका क्रम है तो इसको देखेंगे सबसे पहले हाथी है फिर वृक्ष है फिर अश्व है फिर सिंह है तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा इसका सही जवाब

ये एक किले का निर्माण करता है और वहीं पे पाटलिपुत्र का स्थापित करता है इसके बाद से जो भी सम्राट आते हैं जो भी शासक आते हैं उन सबों ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र बनाते हैं और यही पाटलिपुत्र में मेघस्थनी एक राजदूत था तो मेघस्थनी जो था ये एक यूनानी राजदूत था और ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उस समय जो है उनके महल को देख करके कहता है कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते अभी तीय देवताओं के द्वारा बनाया हुआ लगता है तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा मेगास्थनीज नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है नारद के अनुसार पंचरात्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है तो जो पंचरा पंचरात्र पंच में जो नारद के अनुसार जो पदार्थ नहीं है देखिए जो नारद है पंचरात्र उन्होंने पांच तत्वों का उल्लेख किया है एक है परम तत्व एक है परम तत्व उसके बाद है मुक्ति मुक्ति के बाद है युक्ति और युक्ति के बाद है योग और योग के बाद जो है वो है विषय तीन पांच तत्वों का जो उल्लेख मिलता है इसमें कहीं भी जो है वो भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है हो हो स्तूप है, होते हैं तो जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों की जो अस्थि रखी जाती थी उसको शारीरिक स्तूप कहा जाता था इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा उद्देश्य क्या होता था उस उद्देशिक स्तूप में होता था जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल जो है वो स्मृति के रूप में निर्मित होते थे उसको उद्देशिक कहा जाता था संकल्पित में क्या होता था कि ये छोटे आकार के स्तूप होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जो श्रद्धालुओं के द्वारा इसको निर्मित करवाया जाता था उसको संकल्पित स्तूप कहा जाता था और पारिभौगिक स्तूप जो होता था ये बुद्ध के द्वारा उपयोग में जो लाई गई वस्तुएं होती थी उनको रख करके जो स्तूप बनाया जाता था उसको पारिभौगिक स्तूप कहा जाता था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दिए गए ऑप्शन में वो लोथल से प्राप्त होते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा लोथल से अन्य भी क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो इससे जो है वो बंदरगाह प्राप्त होता है बंदरगाह के साक्ष इसके अलावा जो बाजरे का साक्ष्य मिलता है और जो फारस की हमें मोहरे मिलती हैं जो फारस की मुहरे मिलती हैं वो भी हमें लोथल से मिलती हैं। इसके अलावा हमें जो घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो भी लोथल से प्राप्त हुई हैं। और लोथल से ही जो है युगल समाधियां इम्पोर्टेंट है ये युगल समाधियां की जो प्राप्ति हुई है वो भी लोथल से प्राप्त हुई है लोथल जो है ये कहाँ पे है ये स्थल तो ये गुजरात में है ये कौन सी नदी के तट पे है तो ये भोगवा नदी के तट पे है गुजरात स्थल ये भी ध्यान रखिएगा और देखिए कालीबंगा कालीबंगा से हमें क्या मिला है तो कालीबंगा बंगा जो ये राजस्थान में है घग्घर नदी के तट पर है और हमें वहां से जो है जुटे हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है तो जुते हुए जो खेत का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था देखिए वेद जो है पहले तो वेद अः को जो कहा जाता है कि एक श्रुति कहा गया है वेदों को तो श्रुति क्यों कहा जाता था क्योंकि ये संकलन से पूर्व जो था ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित था अर्थात जो गुरु होता था वो अपने शिष्य को इसको सुनाता था इसलिए इसको श्रुति कहा जाता था बाद में इसका जो संकलन किया गया और संकलन इसका किया कृष्ण दौपाय ने कृष्ण दौपाया ने इसका संकलन किया वेद कितने प्रकार के होते हैं तो टोटल जो है वेद हैं वो चार प्रकार के हैं ऋग वेद है यजुर्वेद है साम वेद है और अथर्वेद है और देखिए जो विश्वामित्र है विश्वामित्र जो है ये ऋग्वेद में जो तृतीय मंडल है तीसरा मंडल है ये ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र ने ही लिखा है और इसमें जो है विश्वामित्र ने जो तीसरा मंडल लिखा है यहीं पे गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो तीसरे मंडल में ही मिलता है जिसका लिखा है किसने विश्वामित्र ने लिखा है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर है, है किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है तो सदा सत्य बोलो जो आदर्श की चर्चा हमें मिलती है वो तैतरी उपनिषद में मिलती है इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा तैतरी उपनिषद में हमें मिलता है कि गुरु और शिष्य के व्यवहार का आदर्श कैसा होना चाहिए और उसी के बीच में हमें यह बताया गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना चाहिए ये सभी चीजें जो है वो उप उपनिषद में मिलती है तो मुंडकोपनिषद जैते जो है वो उपनिषद से मिलता है और छांदोग्य उपनिषद से क्या मिलता है हमें तो जो छांदोग्य उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद से हमें मिलता है सत्यकाम जावाला की जो घटना है सत्यकाम जाबाला की जो घटना है वो हमें छांदो ही अपने सबसे मिलता है उसकी जानकारी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी नंबर क्वेश्चन है, है अफजल खां जिसे शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था देखिए अफजल खां जो है इसको औरंगजेब भेजता है शिवाजी को मारने के लिए लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाती है खुद शिवाजी जो है वो बाघ के आकार का जो एक नख बनवाते हैं उसी को पहन करके अफजल खां की हत्या कर देते हैं और जो अफजल खां था वो था बीजापुर का तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी बीजापुर का था और इसकी जो हत्या शिवाजी करते हैं वो करते हैं सोलह ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इकतीस बखर निम्नलिखित में से क्या है ठीक जो बखर का संबंध है ये ऐतिहासिक दस्तावेज से इसका सही जवाब भी हो जाएगा बखर को जो है वो सोलह सौ ईस्वी में कृष्ण जी सभासद कृष्ण जी सभासद के द्वारा इसको जो है लिखा गया था और ये मराठा साम्राज्य में प्रयुक्त होता था तो ये मराठों से संबंधित था ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 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 देखते हैं नंबर नंबर है गदर पार्टी के नेता कौन थे देखिए हमने पीछे ही इसको डिस्कस किया था गदर पार्टी का जो निर्माण किया जाता है वो उन्नीस सौ तेरह में किया जाता है और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो तो लाला हरदयाल थे सही जवाब इसमें देखिए बी हो जाएगा लाला हरदयाल थे और इसके अलावा जो सोहन सिंह भाखना जो सोहन सिंह भाखना है वो भी गदर पार्टी से जुड़े थे सोहन सिंह भाखना जो थे वो अध्यक्ष थे गदर पार्टी के और लाला हरदयाल जो थे ये इसके उपाध्यक्ष थे और इसने एक पत्रिका निकाली थी जिसको हम लोग गदर पत्रिका कहा जाता है इस गदर पत्रिका का जो उद्देश्य था वो क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था और इनका जो मुख्यालय था गदर पार्टी का वो मुख्यालय कहाँ पे था तो सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका जो है मुख्यालय था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पानीपत के तीसरे युद्ध में सूरजमल की क्या भूमिका थी देखिए जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था पहली चीज तो ये तीसरा युद्ध हुआ कब था सत्रह तो सो एकसठ ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ये भी ध्यान रखिए कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो चौदह जनवरी सो सत्रह सो इकसठ में ये युद्ध होता है और ये जो युद्ध होता है इसमें मराठा लड़ते हैं एक तरफ और मराठों के साथ जो रहता है वो अहमद शाह अब्दाली तो ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें जो है मराठा जो होते हैं हो, बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और इसमें जो सूरजमल था सूरजमल क्या करता है कि ये युद्ध से अलग रहता है ये मराठों का सपोर्ट नहीं करता है तो इसका जो सही भाव होगा वो ए हो जाएगा वो युद्ध से अलग रहा पानीपत के तृतीय युद्ध में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन है, है निम्नलिखित अनुवादित पुस्तकों का सही क्रम बताना है सुमिलित करना सही तरीके से देखिए बदायनी ने किसकी अः बदायी ने किस पुस्तक का अनुवाद किया है तो देखिए यहाँ पे जो है बदायनी बदायनी ने किया है रामायण का फारसी में अनुवाद और राधा टोडरमल ने किसका किया है तीनों ने भागवत पुराण का किया है और इब्राहिम सर हिंदी ने किसका किया है तो ये अथर का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है और फैजी ने किसका किया है तो फैजी ने जो है वो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है तो देखिए ये सभी जो थे ये अकबर काल के समय के हैं ये सारे ट्रांसलेटर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था सारी बुकों को जो इन्होंने फारसी में इसको अनुवादित किया था इस प्रकार अगर इसका सही जवाब देखेंगे मैच तो वो हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नंबर रंपा विद्रोह किसके द्वारा किया गया देखिए जो रंपा विद्रोह हुआ था किसके द्वारा हुआ था तो इसका जो प्रारंभ हुआ था रंपा विद्रोह का वो 1922 में हुआ था और ये जनजाति विद्रोह था तो रंपा विद्रोह जो था ये एक जनजाति विद्रोह था और इसका जो नेतृत्व किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था इसका सही जवाब ये हो जाएगा और इसका जो क्षेत्र था वो मद्रास प्रेसिडेंसी था गोदावरी जिला वहां पे हुआ था और वहां पे हो क्या रहा था कि सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और उसमें ये जो मजदूर थे इनसे जो है जबरन कार्य कराया जा रहा था अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ये बेगार करान करा रहे थे इसी के विरोध में ये जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगीतक जो है वो शाहजहां के शासन काल का नहीं था देखिए जो शाहजहां का शासन काल, काल को जो है वो निर्माण कला का जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और यहाँ पे जो संगीतज्ञ का नाम दिया हुआ है इसमें से जो है बिलास खां जो थे वो शाहजहां के शासन काल से संबंधित नहीं थे तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा बिलास खां थे छतर खां हो गए मक्खू हो गए एमजान हो गए ये सभी जो है वो जहांगीर के समय के संगीतज्ञ थे इसके अलावा लाल खां खुशहाल खां विश्राम खां ये सभी जो है वो शासन शाहजहां से संबंधित थे देखिये लाल खां को तो शाहजहां ने गुन समुन्दर की उपाधि दिया था तो भी ध्यान रखिएगा इनको जो है वो गण समुंदर गन समुन्दर की जो है वो उपाधि देता है शाहजहां तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं गज ए सवाई निम्नलिखित में से क्या है देखिए जो गज ए सवाई का संबंध है ये मुगल सम्राट औरंगजेब के पास एक जलयान था जिसको गज ए सवाई कहा जाता था तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा ये बड़ा जलपोत था और किसके समय का था ये तो ये जो है वो औरंगजेब के समय का एक ये जलपोत था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर है, है निम्नलिखित में से कि, किस इतिहासकार के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का था बुद्धिमान का नहीं तो ये स्टेटमेंट किस इतिहासकार ने कहा था देखिए पहली चीज तो जो अकबर था इसी ने दीन ए इलाही की स्थापना करता है दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसकी स्थापना जो है अकबर ने पंद्रह सो बयासी ईस्वी में प्रारंभ किया था इसमें सभी धर्मों का समावेश था तो इसमें जो है विसेंट स्मिथ जो एक राइटर था विसेंट स्मिथ इसने कहा कि ये जो दीने इलाही था ये अकबर की भूल का स्मारक था बुद्धिमानी का नहीं तो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा विसेंट इथमिस ने ये जो ये स्टेटमेंट है वो दिया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सुमी करना है और सही जवाब बताना है यहाँ पे जो है वो कुछ विभाग दिए हुए हैं उन विभागों से संबंधित कार्य दिए हुए हैं तो देखिए ये सभी जो विभाग हैं वो शेरशाह के संतरत कालीन व्यवस्था के आधार पर उनको बांटा गया था तो जो दीवान ए विजारत था, दिवाने विजारत जो था यहां पे ये लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था तथा तो राज्य की आय व्यय का देखभाल करता था दीवान ए विजारत तो ये लगान एवं अर्थव्यवस्था का प्रधान था तो इसको एक को जो है वो दो से सुमेलित करेंगे और दीवान ए आरिज दीवान ए आरिज जो था वो सेना का संगठन भर्ती रसा शिक्षा नियंत्रण इत्यादि की देखभाल करता था तो इसको जो है वो एक से मैच करेंगे और रिसालत जो था ये विदेशी विभाग मंत्रालय की कार्य कार्यकर्ता था तो इसको जो है वो चार से मैच करेंगे और दीवान इंशा जो था ये इसका कार्य जो सुल्तान के आदेशों को लिखना लिपिबद्ध करना होता था तो इसको जो है ये तीन से मैच करेंगे तो इसका जो सही मैच होगा वो दो एक चार तीन होगा देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है दो एक तो ए में ही है इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नंबर दिल्ली सल्तनत के किस शासक को धनवानों का युवराज कहा गया है तो कौन सा शासक है जिसको धनवानों का युवराज कहा गया है देखिए जो धनवानों का युवराज कहा गया है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा क्यों कहा गया है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए था और जैसे इसने नई मुद्रा चालू किया था सांकेतिक मुद्रा चालू किया था इसने जो नई मुद्रा चलाया था एक सोने का नया सिक्का चलाया था जिसको दिनार कहा जाता था इसी के आधार पे जो है वो जो एडवर्ड टॉमस था एडवर्ड टॉमस इसी ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है धनवानों का युवराज है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 41, 41 क्वेश्चन है किस सुल्तान ने देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित सिक्के चलाए थे जवाब भी हो जाएगा मोहम्मद गोरी देखिए मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करता है ये पहला आक्रमण तो करता है ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में और इसके साथ आक्रमण होता है इसके साथ जो युद्ध में रहते हैं वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है इनके बीच युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज जो है वो विजयी रहते हैं परंतु ये अपनी दोबारा फिर आक्रमण करता है ग्यारह सौ बावन में और अपनी जो है कूटनीति के चाल के तरीके चाल के आधार पर जो है ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और ये जीत जाता है और इसी के बाद से जो है भारत में मुस्लिम जो सत्ता होती है तो और उसका जो है स्थापना प्रारंभ हो जाता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था देखिए जो दीवान एक को ही इसको बनाया गया था ये पहली चीज तो एक कृषि विभाग था ध्यान रखिएगा ये जो था ये कृषि विभाग था और इसकी स्थापना जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इसका सही जवाब डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसको स्थापित करता है और इसका कार्य होता है कि जो भी कृषि के तहत कृषि का विस्तार करना उसका मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना या आपात की स्थिति में या संकट की स्थिति में जो है कृषकों को ऋण भी प्रदान करना तो ये सभी कार्य जो थे वो दीवान एक को ही देखता था जो कृषि विभाग से संबंधित था और देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था इंपॉर्टेंट एक चीज है फिरोज शाह तुगलक है इसने जो है है वो जौनपुर जौनपुर नामक एक शहर की स्थापना करता है, और ये शहर जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही बनवाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी था तो इसी की याद में जो है जौनपुर शहर का निर्माण करता है और इसके अलावा जो फिरोज तुगलक था ये दारुल शफा का निर्माण करता है दारुल शफा दारुल दार शफा ये एक जो है एक फ्री अस्पताल था एक जो है फ्री अस्पताल था जिसमें लोगों का इलाज होता था उसको दारुल शफफा कहा जाता था इसकी स्थापना जो है वो फिरोज फिर तुगलक ने करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता था सहनाय मंडी और सी चीजें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सबसे पहले दाग प्रथा घोड़े की दाग प्रथा हुलिया प्रथा ये सभी जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था बलबन ने क्या प्रारंभ किया था तो बलबन ने जो है दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग था उसकी स्थापना किया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं है, 43. 43 है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख क्या कहलाते थे? जो विजयनगर साम्राज्य था, था? तो विजयनगर साम्राज्य किया था तो इसकी स्थापना तेरह सौ छत्तीस ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का ने किया था इनके पिता का नाम जो संगम था उसी के नाम पे इसका जो है संगम वंश नाम भी पड़ा और इनकी राजधानी कहाँ थी विजयनगर की की इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी हम्पी इनकी राजधानी थी और उस समय जो इनके कुल टोटल छह प्रांत थे छह प्रांत में विभक्त बटे हुए थे और जो उनके प्रतिनिधि होते थे उनको नायक कहा जाता था इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि उनको क्या कहते थे प्रमुख को तो नायक कहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन यह कथन किसका है अगर फिरदौस पर रूबी जमी नस्त हमी अस्त हमी अस्त देखिए जो स्टेटमेंट है ये अमीर खुसरो का इसका सही जवाब सी हो जाएगा ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है इसका अर्थ हुआ कि अगर धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो यही है यही है ये अमीर खुसरो ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक को देवरादित्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था देखिए जो अब्दुल रज्जाक था ये राजदूत बनकर आया था किसके समय में था तो देवरादित्य देवरादित्य जो था ये कहाँ पे थे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ का ये शासक था देवरादित्य इसके शासनकाल में जो है अब्दुल रज्जाक आता है और अब्दुल रज्जाक जो होता है वो खुरा का के जो सुल्तान थे शाहरुख का राजदूत था तो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा उसका राजदूत था जो कालीकट के निकट राजा जमुरीन के दरबार में आया था और उसे जो है देवरादित्य के समय में जो विजयनगर की यात्रा किया जिसने विजयनगर की बहुत प्रशंसा किया है और कहा कि विश्व में मैंने जितने भी नगर देखे हैं या सुने हैं उनमें जो है विजयनगर है वो सबसे भव्य शहरों में से एक है ये सभी बातें जो है वो अब्दुल रज्जाक ने कहा है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 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 देखते हैं नंबर नंबर है पावना विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है देखिए जो पावना विद्रोह है ये विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था इसका सही जवाब ये हो जाएगा ये बंगाल से संबंधित है बंगाल में विद्रोह हुआ था और ये अट्ठारह सौ तिहत्तर से छिहत्तर के बीच में विद्रोह हुआ था और इसके जो नेता थे इसके जो नेता थे वो ईशान चंद्र ईशान चंद्र राय एंड जो है शंभू पाल इसके जो है प्रमुख नेता थे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है देखिए कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसको सल्तनत का अकबर कहा जाता है तो वो कहा जाता है फिरोज तुगलक को इसका सही जवाब ये हो जाएगा फिरोज तुगलक को कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तेरह में उसके बाद से फिरोज तुगलक जो है वो गद्दी पे बैठता है और ये फिरोज तुगलक तो जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसे जो हेनरी एलियट ने ये भी ध्यान रखिएगा हेनरी एलियट और एल्फिनस्टीन इन्होंने जो है वो सल्तनत युग का अकबर कहा है किसको फिरोसा तुगलक को तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में किस शासक ने फसलों में सम्यावर्तन पद्धति पर कृषि कार्य करने को बढ़ावा दिया देखिए सम्यावर्तन पद्धति पर जो कृषि कार्य को बढ़ावा दिया था वो दिया था मुहम्मद बिन तुगलक ने गन्ने की जगह देखिए क्या है गेहूं की जगह आप गन्ना बोइए और गन्ने की जगह जो है वो आप गेहूं बोइए तो यही था समयावर्तन पद्धति नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है, है निम्नलिखित में से किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो उसके बाद ही एक मुसलमान हो देखिए जो स्टेटमेंट दिया था ये स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनका जो प्रारंभिक राजनीतिक जीवन था उसमें ये बहुत बड़े राजनीतिक राष्ट्रवादी नेता थे ये और जब 1926 में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मैं मुसलमान पहले हूँ तो उन्होंने कहा नहीं उनको समझाया कि नहीं बेटे तुम भारतीय पहले हो मुसलमान तुम बाद में हो तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन है किस वायसराय के शासन काल में क्रांतिकारियों का पहला समाचार पत्र काल छापा गया था देखिए जो काल समाचार पत्र था ये एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था और इसका संपादन किसने किया था तो इसका जो संपादन किया था वो ब्रह्मदेव उपाध्याय ने किया था

इंडिया भी कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ठीक इनका ये भी उपनाम है और इसके अलावा देख लेते हैं जो दादा भाई नरोजी थे ये तीन बार इन्होंने जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता किया है तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया है तो सबसे पहले तो इन्होंने दूसरी अध्यक्षता किया था अठारह में फिर अठारह में इसके बाद से है 1906 में और जो इन्होंने 1906 में अध्यक्षता किया था इसी समय उन्होंने जो स्वराज की मांग किया था ये भी ध्यान रखिएगा स्वराज की जो मांग किया था सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने वो उन्नीस अधिवेशन में ही किया था इसके अलावा इनका एक बहुत प्रसिद्ध बुक है 1867 में बुक को इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें इन्होंने जो है वो धन निष्काशन के सिद्धांत का निष्काशन का सिद्धांत दिया था देखिए दादा भाई नरोजी को जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो जीके गोखले थे उन्होंने इनको कहा था कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नरोजी में ही है ये स्टेटमेंट किसने दिया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नरोजी को कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 52 52 number है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो जो हरिजन सेवक संघ बना था इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो देखिए ये जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले इसको महात्मा गांधी ने किया था तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो अजूतो को हरिजन शब्द का प्रयोग किया था और इनके कल्याण के लिए जो है 1932 में ये 1932 में एक अखिल भारतीय अस्विरता निवारण संघ की स्थापना करते हैं जिसी को जो है 1933 में इसका जो नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया जाता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जी डी बिड़ला होते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा जी डी बिड़ला सेवक संघ है इसका नाम चेंज करके आ, पहले ये बना था में अखिल भारतीय अस्पृष्टता निवारण संघ के नाम से बाद में उन्नीस में इसका नाम परिवर्तित होता है जिसमें इसको हरिजन सेवक संघ कहा जाता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जी डी बिरला बनाए जाते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से स्वराज दल में किसका नाम नहीं था ये जो स्वराज दल है

भोलानाथ चंद थे इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की वकालत किया था उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार का सामान न उपयोग करने की सलाह दिया था और इसी के बाद जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती इन्होंने भी जो है इसका सपोर्ट किया था समर्थन किया था क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे पहले वकालत किसने किया था तो भोला चंद ने किया था सही जवाब इसका बी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया देखिए जो क्रिप्स प्रस्ताव ये भारत में कब आए थे तो ये उन्नीस में आए थे क्रिप्स प्रस्ताव और इसको जो पोस्ट रिलेटेड चेक कहा था वो महात्मा गांधी ने कहा था इसका सही जवाब सी हो जाएगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये आ, ऐसे बैंक की संज्ञा दिया था कि जो दिवालिया हो चुका है कृष्ण प्रस्ताव को नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा था तो कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता था जो भारत का विभाजन हुआ था उसको विश्वासघाती कार्य कहा था तो वो कहा था अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब सी हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे इनको सीमांत गांधी का उपनाम भी दिया जाता है इसके अलावा देख लेते हैं जो भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान जो दो अलग स्वतंत्र देश बनाए गए थे ये पंद्रह अगस्त उन्नीस को बनाए गए थे और ये जो जिस प्लान के तहत ये बने थे उसको माउंट प्लान कहा जाता है ये माउंट

गर्मी ने किस गोलमे सम्मेलन में भाग लिया था देखिए महात्मा गांधी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था केवल सेकंड वाले में लिया था इसका सही जवाब भी हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जिसका जो प्रस्तावित था जो हुआ था सात सितम्बर उन्नीस से लेकर के उन्नीस

कि जो रानी गांधी थी ये बहुत कम उम्र में ही जो है इनको जेल में डाल दिया जाता है और देश आजाद होने के बाद इनको जो है जेल से रिहा किया जाता है जब इनको जेल में डाला गया था तो ये मात्र तेरह वर्ष की थी इनका तेरह वर्ष था और जब गांधी जी ने आह्वान किया था अपने दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन में कि सब लोग विदेशी सरकार के खिलाफ झंडा लेकर खड़े हों उस समय ये खड़ी हुई थी और उनको जो है जेल में डाल दिया गया था ये जो थी वो नागालैंड की थी जिसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन नेहरू रिपोर्ट उन्नीस सौ तैयार करने वाली समिति में लिब्रेशन फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था देखिए होता क्या है कि सचिव थे लार्ड बर्कन उन्होंने चुनौती दिया था कि भारतीयों को कि अगर आप में क्षमता है तो आप एक ऐसा संविधान बना करके लाइए आप एक ऐसा मसौदा तैयार करिए जो सभी लोगों सभी धर्मों सभी जातियों सभी लोगों को स्वीकार हो सभी लोग उसमें विश्वास कर सके तो इस चुनौती को जो है और उस समय जो मोतीलाल नेहरू और सभी लोग थे उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने अपनी एक समिति बनाई उस समिति का जो अध्यक्ष बनाया वो तेज बहादुर सप्रू को बनाया तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसी समिति ने जो एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है उन्नीस

तो में जो स्वदेश सेवक होम की स्थापना किया गया था वो जी डी कुमार ने किया था इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा जी डी कुमार ने किया था और उसने एक अखबार निकाला था उस अखबार का नाम था स्वदेश सेवक तो स्वदेश सेवक जो है एक अखबार निकाला गया था और ये अखबार जो है वो गुरुमुखी में लिखा जाता था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमे सम्मेलन में भाग लिया था तो कौन सा ऐसा नेता है जो 1930 का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लिया था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था इसका सही जवाब बी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बारह नवम्बर उन्नीस से जो तेरह जनवरी उन्नीस तक जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो आयोजित था उसमें इन्होंने भाग लिया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 किस जेल में बाल गंगाधर तिलक को दीर्घ समय तक रखा गया था देखिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने अपने 1908 ईसवी में इन्होंने पत्र लिखा था केसरी इनका एक पत्र था केसरी तो 1908 में होता क्या है कि 1908 है ये 1908 में केसरी में ये देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक के साथ थी ये जो सरकार की गलत नीतियां थी उनको उजागर करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश होते हैं उनको उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और इनको इनको जो है छह वर्ष की सजा सुनाई जाती है और इनको आ, कारावास जो है मांडले उस समय म्यांमार जेल था वहां पर इनको भेज दिया जाता है तो क्वेश्चन में पूछ भी रहा है तो सही जवाब इसका भी हो जाएगा इनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है और यही जेल में ही जाकर के उन्होंने जो है गीता रहस्य जो गीता रहस्य इनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की इसको इन्होंने वहीं पे लिखा था नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन से कौन एक सुमेलित नहीं है तो बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है तो बिहार किसान सभा देखिए जो बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था वो स्वामी स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोग से हुआ था और ये हुआ था उनतीस में ये बिल्कुल सही सुमेलित है और उत्कल प्रांति किसान सभा की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था मालती चौधरी के सहयोग से ये हुआ था 1935 में भी बिल्कुल सही सुमेलित है थर्ड है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से नहीं हुआ था ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना किया था वो स्वामी सहजानंद ने किया था तो स्वामी जो है वो सहजानंद ने इसकी स्थापना किया था उन्नीस में तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा डी वाला देख लेते हैं कृषक प्रजा पार्टी देखिए जो कृषक प्रजा पार्टी है यहाँ पे अक्रम खान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये कृषक प्रजा पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये उन्नीस में हुआ था और ए के फजल हक ए के फजल हक के

यहाँ पे दोनों पे ही जो है वो कॉलिन कैम्पेल इसको दबाते हैं और जो जगदीशपुर का होता है विद्रोह जगदीशपुर के विद्रोह को दबाते हैं विलियम टेलर तो इसको हम लोग मैच करेंगे चार से और इलाहाबाद का जो होता है उसको दबाते हैं कर्नल नील और बरेली के विद्रोह को दबाते हैं विसेंट आयर तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो तीन चार एक दो तो सही जवाब इसका भी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे देखिए जो आत्मी सभा है उसके जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय इसका सही जवाब सी हो जाएगा राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना किया था कब किया था 1815 में किया था और इसका जो उद्देश्य था वो एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कांग्रेस को किसने गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दिया है तो ये इनको जो संज्ञा दिया है वो दिया है लॉर्ड कर्जन ने इसका सही जवाब बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन न, 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 कि जो नीतियां थी वो उग्रपंथी विचारों को जन्म देने वाली थी और उन्होंने अरविंद घोष ने क्या कहा, है को, कहा है कि जो से मरने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन में से कौन एक रेशमी रुमाल षड्यंत्र कांड से जुड़ा था तो रेशमी षड्यंत्र कांड से जुड़े थे भाई सॉरी मौलाना उबेदुल्लाह सही जवाब इसका ए हो जाएगा मौलाना उबेदुल्लाह जुड़े हुए थे देखिए ये जो था उस समय आ, 1916 में ये अः षड्यंत्र होता है 1916 में कि देश की आजादी के लिए लोग योजना बनाते थे और उन योजनाओं को जो है वो रूमाल पे लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते थे इसीलिए उसको जो है रेशमी रूमाल षडयंत्र कांड कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी बंगाल विभाजन कब किया गया था देखिये जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो उन्नीस पांच में किया गया था इसका सही जवाब बी हो जाएगा 1905 में कौन किया था तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और ये डेट जो है उन्होंने जब घोषणा किया था 19 जुलाई डेट पूछता 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया था और इसको प्रभावी होना था 16 अक्टूबर 1905 को और उन्होंने जो कारण बताया बंगाल विभाजन का वो बताया कि बहुत बड़ा प्रांत होने की वजह से यहाँ पे हम प्रशासन जो है ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं इसलिए इसका विभाजन कर रहे हैं जबकि मूल कारण ये था कि उस समय बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था और उसको नष्ट करना इनका उद्देश्य था इसी वजह से इन्होंने बंगाल विभाजन किया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी तांबा निर्मित इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है देखिए जो तांबा की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई इसका सही जवाब ये हो जाएगा हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है तो इसके खोजकर्ता जो है वो दयाराम साहनी है इसके अलावा देखिए जो कालीबंगा है कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है और ये कहाँ पे है यह स्थल तो ये राजस्थान में है गग् नदी के तट पे है राखी गढ़ी कहाँ पे है तो ये हरियाणा में है और लोथल कहाँ पे है तो ये गुजरात में है भगवा नदी के तट पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन है गुजरात का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है देखिए जो गुजरात का खजुराहो कहा जाता है वो मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर को कहा जाता है इसका सही जवाब ये हो जाएगा और ये जो मंदिर था इसका जो निर्माण करवाया था ये राजा राजा भीमदेव जो राजा भीमदेव सोलंकी थे उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था और ये हिंदू हिंदू ईरानी शैली में निर्मित ये मंदिर है जिसको गुजरात का खजुराहो कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री किस विद्वान के द्वारा मोहन जोदड़ो के स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है देखिये जो मोहन जोदड़ो मोहन जोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था और यहाँ से हमें विशाल विसा, जो स्नानागार प्राप्त होता है उसको आश्चर्यजनक निर्माण बताते हैं सर जॉन मार्शल तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा सर जॉन मार्शल को कहते हैं और मोहन जोदड़ो जो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर ऋग्वेद के सातवें मंडल की रचना का संकलन किसने किया है देखिए जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में टोटल दस मंडल है एक हजार अट्ठाईस उसमें सूक्त है तो इसके प्रत्येक मंडल की जो रचना है वो किसी न किसी ऋषि ने किया है जैसे विश्वामित्र विश्वामित्र ने इसके तीसरे मंडल की रचना किया है ध्यान रखिएगा विश्वामित्र ने जो तीसरे मंडल की रचना किया है जो वानदेव है जो है वो फोर्थ मंडल की रचना किया है और भारद्वाज जो है भारद्वाज ने जो है वो छठवां मंडल बनाया है और सातवें मंडल की रचना जो है वो वशिष्ठ ने किया है जिसका सही जवाब डी हो जाएगा और इसी सातवें मंडल में ही जो है शिक्षा की चर्चा हमें मिलती है और जो थर्ड मंडल है यहाँ पे हमें गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव नचकेता यम संवाद का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ से है देखिए जो नचकेता यम संवाद का उल्लेख मिलता है ये कठोपनिषद से मिलता है जिसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद हमें सत्य काम जवाला की घटना मिलते है। हम को, मिलता है हमको उपनिषद से हमें सत्यमय जयते का उल्लेख मिलता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स वंश सॉरी मिहिर, कुल मिहिर कुल जो है वो किस वंश का शासक था तो जो मिहिर कुल था ये हुड़ शासक था इसका सही जवाब ए हो जाएगा ये एक शासक जो तोरण मार था उसका पुत्र था और इसने गोप पर्वत पर जो है सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है ये भी ध्यान रखिएगा जो गोप पर्वत है गोप पर्वत पे इसने जो है वो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है मिहिर कुल ने और ये हुड़ शासक था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन कश्मीर का नीरो नाम से प्रसिद्ध हर्ष किस वंश का शासक था देखिए जो कश्मीर का नीरो नाम से जो प्रसिद्ध था हर्ष ये किस वंश का शासक था तो ये जो हर्ष शासक था ये लोहार वंश का था इसका सही जवाब डी हो जाएगा लोहार वंश का शासक था और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है इसके जो दरबार में थे कल्हड़ 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 की पुस्तक का क्या नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसी बुक से जो है इसकी रचना से हमें ये लोहार वंश की जानकारी मिलती है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। प्राचीन काल के किस भारतीय विद्वान की तुलना आइंस्टीन से की जाती है तो कौन सा ऐसा प्राचीन भारतीय जिसकी तुलना हम लोग जो है आइंस्टीन से करते हैं तो वो है नागार्जुन इसका सही जवाब बी हो जाएगा नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबारी कवि थे ये कनिष्क के दरबारी कवि थे और इनकी जो रचना है वो है माध्यमिक सूत्र इनकी रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र जिसमें इन्होंने साफेता का सिद्धांत दिया है और इनकी तुलना जो है वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण आइंस्टीन से किया जाता है और जबकि जो दार्शनिक इनके जो विचार थे इन्होंने दार्शन पर भी विचार दिया है और उसकी तुलना इनके मार्टिन लूथर किंग से किया जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा इनकी तुलना जो है वो मार्टिन लूथर किंग से भी किया जाता है

नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 80 नंबर क्वेश्चन है सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था देखिए जो सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था ये दिया था अकबर में इसका सही जवाब बी हो जाएगा सुलह एक कुल इसका ये नीति थी अर्थात सभी के साथ जो है शांतिपूर्ण व्यवहार करना और ये आ, इस नीति को जो है वो अकबर ने इस इस्लामी सिद्धांत के आधार पर बनाया था सत्याग्रह किया, किया गया था वो अहमदाबाद उन्नीस में किया गया था सही जवाब इसका ए हो जाएगा वर्धा में जो आश्रम बनाया गया था 1936 में वो सेवा ग्राम सेवा, ग्रा, सेवा, ग्रा, सेवा ग्राम आश्रम बनाया गया था और डरबन में जो 1904 में बनाया गया था वो फिनिक्स आश्रम बनाया गया था और सूरत में जो आश्रम बनाया गया था उन्नीस में बनाया गया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 82 82 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था तो कौन सा ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में इसका सही जवाब भी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था ये उन्नीस में हुआ था इसके जो अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष और इसी में जो है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी थ्री नटराज प्रतिमा का संबंध किस राजवंश से है देखिए जो नटराज प्रतिमा है इसका जो संबंध है ये चोल काल से है इसका सही जवाब ये हो जाएगा चोलो के चोल काल में ये प्रसिद्ध गांस मूर्तियां थी और ये प्राय चतुर्भुजाकार होती थी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण किया था देखिए जो बाबर ने सबसे पहले बादशाह बादशाह की जो पदवी धारण किया था ये किया था काबुल में इसका सही जवाब भी हो जाएगा काबुल में किया था अफगानिस्तान के काबुल में इसने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण करता है और बाबर जो है यही अः क्या कहते हैं भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक है जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में इसी के बाद बाबर इसको जीतता है इसके बाद से इसने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है इसके बाद ये खानवा के युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध लड़ता है लास्ट में देखिए उपाधियां में युद्ध लेता है ये भी ध्यान रखिएगा ये कलंदर की उपाधि धारण करता है और गाजी की उपाधि भी बाबर धारण करता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 85 85 क्वेश्चन है सिजदा 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 पैबोस पैबोस प्रथा का का प्रारंभ किसने किया था था ये दो प्रथाएं थी और पैबोस. का मतलब होता था कि सुल्तान के सामने घुटने टेक कर उसको झुकना उसको सलाम करना और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के जो पैर होते थे उसको चूमना ये दो प्रथाएं थी ये दोनों ही जो प्रथाएं थी ये ईरानी प्रथाएं थी और इसको स्वीकार किया था बलवन ने सही जवाब इसका सी हो जाएगा बलबन ने अपनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी हुई है उनके लेखक दिए हुए हैं जो तूतीनामा तूतीनामा की रचना किसने किया है तो वो अमीर खुसरो ने नहीं किया है गलत दिया हुआ है तूतीनामा की रचना किया है जिया नक्शवी ने तो जिया नक्शवी ने जो है इसकी रचना किया है और तबकाते नासरी देखिए जो तबकाते नासरी है इसकी जो रचना किया है तबका नासरी की मिनहाज उस सिराज ने किया है ना कि बर्नी ने ये मिनहाज उस सिराज ने किया है और जो फुतु उस सलातीन है इसकी रचना इसामी ने किया है बिल्कुल सही सुमिलित इसका सही जवाब बी हो जाएगा केवल तीन वाला जो है वो सही सुमिलित -सुलेही।, सुलेही किसका फारसी अनुवाद है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बार बार पूछा जाता है ये पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद है इसका सही जवाब ए हो जाएगा और ये जो इसका जो ट्रांसलेट किया था फारसी में ये फैजी ने किया था और देखिए जो रामायण और महाभारत का जो हमें फारसी अनुवाद मिलता है वो बदायूनी ने किया था रजम नाम से

इन सभी की जो है प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया है देखिए जो प्रेम वाटिका है इसकी रचना किया है रसखान ने इसका सही जवाब सी हो जाएगा रसखान ने किया है और ये हिंदी के कवि थे ये मुस्लिम थे फिर भी जो है भगवान कृष्ण के ऊपर इन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं किया है जिसमें से प्रमुख जो है प्रेम वाटिका है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू

मक्का की तीर्थ जो है वो सूरत से ही प्रारंभ होती है इसीलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर भक्त तुकाराम, कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे तो जो भक्त तुकाराम ये महाराष्ट्र के संत थे ये कौन से सम्राट के समकालीन थे तो देखिये ये जहांगीर के समकालीन थे इसका सही जवाब सी हो जाएगा तुकार का जो टाइम है वो सोलह से लेकर के 1650 का है और ये शाहजहां और जहांगीर दोनों के ही समकालीन थे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो जो उत्तर वैदिक कौशाम्बी में कौशाम्बी में, में किया जाता है कौशाम्बी जो है ये वत्स जनपद जो महाजनपद था इसकी जो है वो राजधानी थी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था देखिए जो बुद्ध की चार बौद्ध संगीतियां हुई थी पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो चार सौ तिरासी ईसापुर में हुई थी कहाँ पे हुआ था तो वो राजगृह में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप ने किया था और राजा कौन था तो वो अजात शत्रु उनका शासक था जो सेकंड बौद्ध संगीति होती है देखिए वो 383 वीसी में होती है और कहाँ पे होती थी वैशाली में होती है उस समय जो अध्यक्ष कौन थे तो सभा इसके अध्यक्ष थे और राजा कौन था तो कालासोक जो है उस समय शासक था और जो थर्ड संगीति होती है वो होती है दो ईसा पूर्व में और कहाँ पे पाटलिपुत्र में होती है उस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो मोगली पुत्तीस होते हैं और शासक कौन था तो अशोक के काल में होती है और फोर्थ जो होती है वो कुंडलबन कश्मीर में होती है नाइन्टी एट ईस्वी में और उस समय जो अध्यक्ष थे वो वशुमित्र थे और उस समय उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और राजा कौन था तो कनिष्क उस समय शासक था तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तीसरी हुई थी उस समय अध्यक्षता किसने किया था तो तीसरी में अध्यक्षता मोगली पुत्र किसने किया था अभी हमने देखा तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा है देखिए गुलाम वंश के खत्म होने के बाद से खिलजी वंश प्रारंभ होता है और खिलजी वंश जो है ये बारह सौ खिलजी में जलालुद्दीन स्थापना करता है दिल्ली में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नाइनटी नंबर क्वेश्चन वाण्डीवास के युद्ध के पश्चात भारत में किसकी सत्ता का अंत हो गया तो देखिये जो वाण्डीवास का युद्ध हुआ था ये कब होता है तो ये सत्रह में होता है और इस युद्ध में जो है डच होते हैं और ये फ्रांसीसी होते हैं ये दोनों लड़ते हैं डच का जो नेतृत्व तो करता है वो अः जो कामटे डीलाली करता है और अंग्रेजों के तरफ से जो है वो आयरकूट रहते हैं तो इस युद्ध में आयरकूट जो है वो कामटे डीला को हरा देते हैं अर्थात फ्रांसीसियों की हार हो जाती है तो सही जवाब इसका यह हो जाएगा फ्रांसीसियों के मध्य होता है इसी को जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन नाइनटी नंबर नंबर क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था देखिए बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ 1928 में हुआ था सही जवाब इसका ही हो जाएगा सूरत के बारदोली जो तालुका थी वहां पे 1928 में किसानों द्वारा जो लगान वृद्धि किया गया था उसी के विरुद्ध ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार पटेल ने किया था और इसी युद्ध में जो है वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड और ये लास्ट क्वेश्चन अरुणेल कमिटी का गठन कब किया गया था अरुणेल अरु, ने इसलिए इसको अरुणेल कमेटी कहा जाता है इसमें अपनी सिफारिशों में भारत में विभिन्न परिषदों की समिति बना जाने की अनुशंसा किया था तथा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उन्नीस में लॉर्ड कर्जन के समय में उसको रद्द करने की बात किया जाता है या बंगाल के विभाजन को मतलब रद्द करो पुनः बंगाल को एक करने की बात किया जाता है इस कमेटी के माध्यम से इसी के साथ हमारी ये टेस्ट समाप्त हुआ हंड्रेड क्वेश्चन का अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद